बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तारिक फ्रूट सीक्रेट में मैं आज लेकर आया हूँ दही और कंडेंस मिल्क से फ्रूट चाट की रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त बहुत और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, पुराने दोस्त लाइक कर दिया करें। ये आप दोस्तों की तरफ से एक इनाम और प्यार होता है। तो रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है कंडेंस मिल्क और दही से बनेगी रेसिपी। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच मेरे पास दही है और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दिया है। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ऐसा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अब नाशपाती है इसके अंदर ऐड करेंगे और सेब है मेरे पास, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके बाद केला है मेरे पास, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और मेरे पास कॉकटेल फ्रूट है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त का क्रीमी फ्रूट चाट बनेगा। और अंगूर है मेरे पास, ये थोड़े से इसके अंदर ऐड कर देंगे। चाट मसाला है किसी भी ब्रांड का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हसबे जायका, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा दही और कंडेंस मिल्क वाला जो फ्रूट चाट है जनाब, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। रमज़ान में बनाएं, ईद पे बनाएं या आम दिनों में बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा जी। अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड कर देंगे, तो इससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्रीमी बनेगा। तो तारिक के तरीके से ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें जी। हमारा जो फ्रूट चाट है बहुत क्रीमी बन गया है। तो अब इसको एक छोटे से सर्विंग बाउल में ऐड कर देते हैं और वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। माशाल्लाह चेक कीजिएगा कितना ज़बरदस्त है। जनाब ये आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर बनाइएगा दही और कंडेंस मिल्क से, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। फ्रूट चाट की रेसिपी आप ज़रूर तारिक के तरीके से बनाएं। तो चलें सही है, इसी रेसिपी के साथ दें तारिक को इजाज़त अगली रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।